तो हे एक बार फिर स्वागत है सभी का आईडी स्टडी फाइव चैनल में। और मेरे आवाज़ से आप लोग को पता चल ही गया होगा कि आज मेरा आवाज़ ठीक नहीं है, यानी आप समझ सकते हैं कि मेरा तबीयत ठीक नहीं था, इसलिए मैं बहुत दिनों बाद अपने यूट्यूब चैनल वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। और उसके बाद फिर अपने यूट्यूब चैनल पे यहाँ पास मैं बुक वगैरह भी प्रोवाइड करा रहा था, तो थोड़ा उसमें भी बिजी था क्योंकि उसमें बहुत सारे पीडीएफ भी बनाने पड़ते हैं। तो चलिए आज मैं सोचा आप लोगों के लिए आज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात किया जाए जिससे आप लोगों को आने वाले एग्जाम पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो प्लीज़ यार वीडियो को लास्ट तक देखना, चाहे आप किसी भी स्टेट के हों, यह वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा नॉलेज वाली होने वाला है क्योंकि आप सभी का एग्जाम पैटर्न सेम ही रहता है, बस थोड़ा बहुत यहाँ पर चेंज ही रहते हैं, लेकिन मिनिमम आपका जो सिलेबस वगैरह होता है सब सेम ही रहते हैं। तो चलिए आज हम बात करते हैं यहाँ यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा का, कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर ट्रेंडिंग भी चल रहा है कि इसका एग्जाम पैटर्न को लेकर क्या जो एग्जाम पैटर्न 2021 और 22 में जो होगा वो किस तरह होने वाला है। तो चलिए मैं आप लोगों को एकदम इजी वे में आपको बताना चाहूँगा और साथ में थोड़ा बहुत अपना एक्सपीरियंस भी दूंगा कि क्या एग्जाम पैटर्न में यहाँ पर कुछ चेंज हुए हैं या नहीं हुए हैं। और साथ में अगर आप बीएससी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं और आप अभी तक एग्जाम की तैयारी नहीं कर पा रहे हैं तो प्लीज़ सर मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब तो कर ही लेना। किस लिए करोगे तो आप लोग को बता देता हूँ कि अपने यूट्यूब चैनल में एकदम फ्री लोग के लिए बुक प्रोवाइड करा चुका हूँ, बस आप लोगों को यहाँ पर सिलेबस को ध्यान देना है। आप लोग इजीली उस बुक को डाउनलोड कर लेना या फिर बुक डाउनलोड करने के बाद सिलेबस को चेक कर लेना, बुक में कुछ फर्क रहता नहीं है, बस सब सेम ही होते हैं, बस आप लोग अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग स्टडी करना स्टार्ट कर देना। और यार आप लोग के लिए एकदम हाई क्वालिटी का बुक प्रोवाइड किया हूँ ना, आप लोग के लिए यार इतना मेहनत करते हैं तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता ही है। तो चलिए अब यहाँ पर हम लोग काफ़ी ज़्यादा बात कर लिए हैं और साथ में आप टेलीग्राम में भी ज्वाइन हो जाना। तो चलिए अब मैं आप लोग को बताता हूँ कि तो इस वीडियो के जितने भी बीएससी वाले होंगे पूरा लास्ट तक देखना। तो देखिए आप लोग सब्जेक्ट के यहाँ पर एग्जांपल देने वाला हूँ, वो किस तरह दूंगा तो आप लोग के यहाँ पर आगे वीडियो में पता चल ही जाएगा। और उसके बाद फिर यहाँ पर मेरा सेकेंड टॉपिक होगा मिनिमम और मैक्सिमम मार्क के बारे में, जो कि आपके ज़्यादा काफ़ी से डिमांड होते हैं कि सर इस सब्जेक्ट में कितना मार्क मिलेगा, और इसके बारे में कुछ फैक्ट भी बता दूंगा और कुछ ट्रिक बता दूंगा जिससे आप लोग इजीली जान सकते हैं कि किस एग्जाम में हमारा कितना मार्क भी आने वाला है। और उसके बाद फिर यहाँ पर मैं सेक्शन राइटर वर्ड के यानी कि आप कितने शब्द में लिखना चाहते हैं उसके बारे में यहाँ पर बताऊंगा। कुछ यूनिवर्सिटी में रिक्वायरमेंट रहता है कि आपको 150 शब्द या फिर 250 शब्द लिखना पड़ता है, अगर आप उससे ज़्यादा लिखेंगे तो आपको कम नंबर दिया जाएगा, उससे कम लिखोगे तो भी आपको कम नंबर मिला जाएगा, यानी कि बहुत कुछ इसमें देखा जाता है। आई नो कि आप लोग कॉलेज में होंगे तो आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया होगा तो आप लोग वीडियो देखिए आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और आप लोग को और भी यहाँ पर बताते हैं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट के बारे में। तो चलिए यहाँ पर मैं फर्स्ट एग्जांपल यहाँ पर ले रहा हूँ फिजिक्स का। तो फिजिक्स का जो हमारा फर्स्ट पेपर होता है यानी कि आप लोग देख सकते हैं मैकेनिक्स का, उसके बाद हमारा जो सेकेंड पेपर है हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहते हैं, लास्ट पेपर होता है उसे हम कहते हैं ऑप्टिक्स, उसके बाद हमारा जो लास्ट है सबसे लास्ट है उसे हम कहते हैं प्रैक्टिकल। तो यार प्रैक्टिकल के बाद हम कहें तो प्रैक्टिकल का एक अपना फंडा होता है, आप लोग प्रैक्टिकल का एग्जाम अलग ही देते हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं मैन एग्जाम के बारे में। तो देखिए यहाँ पास मैं मिनिमम और मैक्सिमम नंबर दोनों यहाँ पास एक साथ ही आपको यहाँ पर बता देता हूँ। आपका जो फर्स्ट पेपर आएगा उसका जो टोटली मार्क होता है आपका 50 नंबर के यहाँ पर होने वाला है। तो सेकेंड पेपर आपका होगा वो आपका यहाँ पास 50 मार्क ये भी होगा, उसके बाद जो थर्ड पेपर होगा वो भी आपका यहाँ पर 50 मार्क का होगा। और आपका यहाँ पर जो पासिंग करने के जो नंबर होते हैं, आपका जो फर्स्ट पेपर हो गया आपका अगर यहाँ पर 18 नंबर भी आता है तो आप यहाँ पर पास हो जाएंगे। उसी तरह आप जो सेकेंड पेपर हो गया उसके बाद जो थर्ड पेपर हो गया उसमें भी आप लोग यहाँ पर 18 नंबर यहाँ पास लाओगे तो आपके यहाँ पर इजीली आप पास कर जाओगे। उसके बाद फिर यहाँ पर जो प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल में आप लोग अगर 27 नंबर भी लेके आ गए तो आप लोग इजीली यहाँ पर पास हो जाओगे। और आपका जो यहाँ पर टोटल मार्क यहाँ पर जो बनेगा वो आपके यहाँ पर 225 मार्क पास होने वाला है। तो आई नो आपके यहाँ पर समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन उठेंगे कि सर ये तो फर्स्ट ईयर वालों को बता दिए, अब सेकेंड ईयर में क्या एग्जाम पैटर्न सेम होंगे, क्या फाइनल ईयर में एग्जाम पैटर्न सेम होंगे? तो रुको भाई आपको एक बात और बता देता हूँ कि एक बार जो आप लोग बीएससी फर्स्ट ईयर में एग्जाम दे चुके हैं जो इसका एग्जाम पैटर्न जो हुआ है वो आपका फाइनल सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर दोनों में सेम होंगे, यकीन नहीं हो रहा है ना? तो चलिए आपको यह बात और बता देता हूँ। तो यहाँ पर मैं ऐड कर लिया हूँ आपका सेकेंड ईयर का जो हमारा सेकेंड पार्ट हो गया, देख लीजिए अब यहाँ
थर्मल एवं स्टैटिकल फिजिक्स, आप इसमें भी आप लोग अंदाजा देख सकते हैं कि आपका जो मिनिमम मार्क और मैक्सिमम मार्क हो गया आपका सब सेम ही है, और साथ में आपका जो प्रैक्टिकल है वो भी सेम है। यानी कि आप लोग कह सकते हैं कि आपका जो 25 मार्क आपका जो फर्स्ट ईयर में था, सेम आपका जो यहाँ पास जो सेकेंड ईयर में है वो भी आपका सेम ही होगा। उसी तरह आपका जो फाइनल ईयर का जो आपका फिजिक्स का एग्ज़ाम होगा सेम उसी पैटर्न पर होगा, यानी कि आपके यहाँ पर कुछ भी चेंज नहीं होगा। और साथ में जो आप लोग BSc 2021 में यहाँ पर एग्ज़ाम देने वाले हैं और जो 2022 में भी एग्ज़ाम देने वाले हैं, सेम ऐसे एग्ज़ाम पैटर्न पे आपका एग्ज़ाम होने वाला है। ये एक सब्जेक्ट और भी एड कर ले रहा हूँ ताकि आपके यहाँ पर एक डाउट और भी ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पर मैं फर्स्ट पेपर और सेकेंड पेपर यहाँ पर एड कर लिया हूँ अभी केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री में यहाँ पर बता देता हूँ कि आपका जो एग्ज़ाम होगा 3 घंटे का होने वाला है। वो हर एग्ज़ाम पैटर्न में आपका होता ही है। जो BSc फर्स्ट ईयर वाले होंगे तो आप लोग यहाँ पर ध्यान देना कि आपका जो एग्ज़ाम होगा वो आपका 3 घंटे का होगा। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अलग, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अलग, और फिजिकल केमिस्ट्री का अलग, और प्लस प्रैक्टिकल का अलग एग्जाम यहाँ पर होने वाला है। साथ में आपका जो मार्क होगा वो आपका 50 मार्क यहाँ पर रहने वाला है। आप लोग यहाँ पर टोटली करोगे तो आपके सामने कुछ यहाँ पास देखने को मिल जाएगा। तो आप लोगों तीनों पेपर का मिलाकर, तीनों पेपर का मार्क मिलाकर आपका रिजल्ट यहाँ पर बनता है। अगर आपका यहाँ पर कम नंबर आ रहा है, यानी कि 54 नंबर यहाँ पर दिया हुआ है, 54 नंबर में अगर आपके यहाँ पर 53 या फिर 52 भी आ गए तो यहाँ पर फैल माना जाएगा। अगर आप लोग 54 नंबर यहाँ पर टोटली लेकर आ गए हैं तो आप लोग इजीली यहाँ पर पास माना जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपका टोटली नंबर जोड़ के दिया जाएगा, जैसे कि यहाँ पर 5, 5, 10, 5, 15, यानी कि आपका जो 150 नंबर होगा, अगर 150 नंबर में आप लोग टोटली यहाँ पास 54 नंबर यहाँ पर लेकर आ रहे हैं तो आपके यहाँ पर पास हो जाओगे। नो यार, कि अगर आप इनऑर्गेनिक में और ऑर्गेनिक में अच्छा नंबर लिया है तो इजीली आप लोग 54 नंबर तो क्रॉस कर ही सकते हैं। बात करते हैं यहाँ पर सेक्शन के बारे में कि कितने सेक्शन में आपका एग्जाम होगा, कितने सेक्शन में आपका कितना नंबर मिलता है। तो देखिए आप लोग यहाँ पास मैं BSc विज्ञान का, यानी कि BSc फर्स्ट ईयर का यहाँ पर भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स का यहाँ पास बताने वाला हूँ। तो देखिए यहाँ पास आपका 3 पेपर होंगे जो कि आपका यहाँ पास 3-3 घंटे का होने वाला है, और आपका जो प्रैक्टिकल होगा वो आपका 5 घंटे का होने वाला है, जिसमें आप लोगों का तीनों पेपर का नंबर यहाँ पर 150 होगा। और साथ में आप लोगों को यहाँ पास पास करने के लिए आपको यहाँ पास 54 नंबर की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि आप लोगों को यहाँ पर वो बता चुका हूँ कि आप लोग यहाँ पर 54 नंबर आप लोगों को लाना ही लाना है। अगर आप लोग यहाँ पर कम नंबर लाओगे तो आप फेल हो जाओगे। तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। उसी तरह आपका जो प्रैक्टिकल होगा वो भी आपका यहाँ पर 75 नंबर का यहाँ पास होने वाला है। अगर आप इसमें 27 नंबर आते हैं तो आप लोग इजीली यहाँ पर पास हो जाओगे। तो चलिए यहाँ पास मैं हिंदी में भी एक्सप्लेन कर दिया हूँ। अब बात करते हैं यहाँ पास हम फर्स्ट पेपर के बारे में। जो फर्स्ट पेपर जो सेक्शन होगा वो सेम आपका, चाहे आप BSc बायो केमिस्ट्री फिजिक्स हिंदी सब्जेक्ट का भी हो, सेम आपका सेक्शन इसी तरह होने वाला है। यहाँ पर नोट्स दिया गया है कि इस प्रश्न में आपका 3 खंड होंगे, ठीक है ना, और यहाँ पर 3 घंटे के यहाँ पर समय होगा, और साथ में जो खंड नंबर आ है, तो चलिए यहाँ पर थोड़ा हम इसको पढ़ लेते हैं। इस खंड में एक अनिवार्य प्रश्न जिसमें प्रत्येक इकाई से 2 लघु प्रश्न लेते हैं, यानी कि यहाँ पास आपका 2 लघु प्रश्न होगा, और उस लघु प्रश्न में प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 20 शब्दों में देना होगा। तो चलिए उसके बाद हम सेकेंड बा नंबर का यहाँ पर देख लेते हैं। तो देखिए हमारा जो खंड बा है, इस खंड में प्रत्येक इकाई में से 2 प्रश्न लेते हुए यहाँ 10 प्रश्न होंगे, यानी कि 2 प्रश्न यहाँ पर लेते हुए आपके यहाँ पास 10 प्रश्न होंगे। प्रत्येक इकाई में से प्रश्न का चयन करते हुए 5 प्रश्नों का उत्तर देना होंगे। तो देखिए आपके यहाँ पर 150 नंबर का आपका क्या आएगा, आपका शब्द लिखना होगा, जो कि आपका 25 नंबर के यहाँ पर पेपर होने वाला है, वो भी खंड नंबर का, जिसमें से आपका टोटली कितना होगा, आपका 10 प्रश्न होंगे, जिसमें आप लोगों को 5 प्रश्न का ही उत्तर देना है। आप उससे ज़्यादा देंगे तो आप लोग यहाँ पर फैल भी हो सकते हैं। तो आप लोग जो भी नियम दिए हैं उसके हिसाब से चलिए, आप लोगों को केवल 5 प्रश्नों का उत्तर ही देना होगा। और हाँ, एक बात आप और सुन लीजिए कि हर यूनिट से आपका 2-2 प्रश्न यहाँ पर पूछा जाएगा, आपका हर यूनिट से यहाँ पर 2-2 प्रश्न यहाँ पास लिया जाएगा, जो कि यहाँ पर दिया गया है। और उसके बाद फिर यहाँ पास 4 प्रश्न का वर्णनात्मक होंगे, इसमें भाग भी हो सकते हैं, यानी कि आपका जो प्रश्न है उस प्रश्न में आपका भाग भी हो सकते हैं, कितने भाग में आपका डिवाइड है वो भी यहाँ पर हो सकता है। तो मैं सभी इकाइयों में से दिए जाएंगे, यानी कि आपके जितने यूनिट है सभी यूनिट से आपके यहाँ पर
प्रश्न दिया जाएगा, किंतु एक इकाई में से एक से अधिक प्रश्न नहीं होंगे। यानी कि यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि हर यूनिट से आपका एक एक प्रश्न, हर यूनिट से आपसे एक एक प्रश्न लेंगे यहाँ पास, और दो प्रश्नों का उत्तर दिए जाने हैं। यानी कि आपके यहाँ पर दो प्रश्न का उत्तर देंगे, और भी कितने शब्द का होगा वह भी आपके यहाँ पास केवल 20 नंबर के यहाँ पास पेपर होने वाला है, और यहाँ पर आपको 500 शब्द में यहाँ पर देने वाले हैं। यानी कि आप समझ सकते हैं कि आप लोग हर यूनिट से यहाँ पर पाँच प्रश्न तो लेंगे ही, उसके बाद फिर आपका एक प्रश्न आपका यहाँ पर 10 नंबर का होने वाला है। दो प्रश्न आप लोग कर दिए तो आप लोग यहाँ पर 20 नंबर इजिली पा सकते हैं। तो यार सिंपली से आप लोग कॉलेज के पेपर पास करना भी बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता है, बस अगर आप लोग 3 यूनिट यानी आप लोग 3 यूनिट अच्छे तरीके से पढ़ के चल दिए हो तो आप लोग इजिली यहाँ पर अच्छा नंबर ला सकते हो, और नंबर के साथ साथ आप लोग अच्छा टॉप भी कर सकते हो। इसमें आप लोग अगर डिटेल से वीडियो चाहिए तो आप लोग मेरा प्लेलिस्ट जरूर देखना एग्जाम प्रिपरेशन में, वहाँ आप लोग इजिली डिटेल से दिया गया है कि आप लोग कैसे टॉप कर सकते हैं। तो प्लीज़ वीडियो जाकर लास्ट तक पूरा देखना, आपके यहाँ पर एग्जाम पैटर्न के बारे में समझा दिया हूँ कि आपका जो 2022-21 में होने वाला है सेम आपका जो पहले होते थे सेम उसी तरह रखा गया है, और साथ में जो इस तरह के एग्जाम पैटर्न है वो आपके MP UP में भी देखने को मिल जाता है। तो आई नो कि आप लोग को इस वीडियो में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिला होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।